राजस्थान में आज से दिखेगा तौकते का असर। 18 और 19 को कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी में शनिवार को आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोपहर तक तेज गर्मी के बाद शाम 4 बजते तक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हवा चलने लगी। शहर में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और बारिश भी हुई, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है। पिछले करीब 7 दिनों से प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। अगले 5-6 दिनों में आंधी बारिश और तेज होगी, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं बल्कि चक्रवाती तूफान तौकते के कारण। प्रदेश में रविवार से तौकते का असर दिखाई देगा। 20 मई तक तूफान के कारण आंधी बारिश होगी। सर्वाधिक प्रभाव 18 और 19। हालांकि मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून बताने से इनकार किया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि चक्रवाती तूफान के असर से 16 मई से दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से आंधी चलेगी। इसी के साथ बारिश होगी। 17 मई को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी होगी। 18-19 मई को सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा। इस दौरान जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर तथा आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा नागौर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, सिरोही, जयपुर, भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।